जैसे हमने पहले फोरकास्ट किया है जो हमारी एडवाइजरी थी, एज पर एडवाइजरी वी आर गोइंग स्ट्रेट, तो कल सुबह तक इंशाल्लाह जो करंट सिस्टम है ये कल सुबह ओवर हो जाएगा। आज खासी बारिश पूरी J&K में देखने को मिलेगी प्लेन्स पे, और जबकि जम्मू के प्लेन्स में तेज़ हवाओं के साथ आपको थंडर स्टॉर्म के साथ हेल भी एक दो जगह देखने को मिलेगी। साथ में जितने भी हायर रिच्स हैं वहाँ पर स्नोफॉल, मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल ही हो जाएगा, और चंद एक मुकामत पर जो हमारे हायर पास है वहाँ आपको कम से कम 2 फुट के करीब स्नो देखने को मिलेगा। हमारे पे अभी करंट मतलब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से गुलमर्ग में 62 मिलीमीटर बारिश इक्वलेंट थी, वो जो 1.25 फीट बर्फबारी लास्ट 24 आवर में जो स्नो एकोमोलेशन हुई वो 1.25 फीट यानी कि 38 सेंटीमीटर डेप्थ थी स्नो डेप्थ। बारिश तो कल सुबह ही रुकेगी, अभी बीच में पॉज आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट आधे घंटे के लिए किसी जगह देखेंगे, ये टेम्परेरी फेज है। सिस्टम अभी पूरा हमारे वेस्ट में ही है, उसको पास होने में कल मजीद कम से कम 20 घंटे लगेंगे। बालाई इलाकों में भी फिर इंशाल्लाह जब कल सुबह सिस्टम ओवर हो जाएगा ईस्ट की तरफ तो यहाँ क्लाउडिनेस फिर भी रहेगी लेकिन बर्फबारी रुकेगी। जैसे हमने एडवाइजरी में भी बोला था कि ये जो पीर पंजा रेंज है खासकर बद्रवार रेंज से इधर क्या बोलते हैं इसको बानीहाल, इस पैच में हमने वेरी हेवी की वार्निंग दी, हेवी से भी ज़्यादा वेरी हेवी की। इसमें हुई भी बारिश बानीहाल में आज 74.2 मिलीमीटर बारिश हुई, तो उस हिसाब से इसी तरह 55 के आसपास बद्रवाह में भी हुई, तो इस हिसाब से अभी जो रेनफॉल एक्टिविटी वहाँ अभी है। और साथ में आपको पता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ी सी बर्फबारी से स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, मड स्लाइड्स आते हैं या ये, तो इसलिए ये असर रहेगा बारिशों का, इस उस वजह से लैंड स्लाइड मड स्लाइड जम्मू रोड पे, जब से हमने एडवाइजरी में भी ये पहले ही बोला था कि खास ध्यान रखेंगे ट्रैवलर्स और आम लोग जो वहाँ से जा रहे हैं कि इस जगह मैंडेट ये नहीं है कि स्कूल किस व्यवस्था में चलनी चाहिए, ये एक गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। हमारा ये था कि प्राइम कि इस दिन इतनी बारिश होगी मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में ये होगी, तो हमने कह दिया। फिर स्कूल बंद करना या ये उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से होता है अपना डिसीजन। आने वाले दिनों में यही एक फीबल मतलब एक हल्का सा एक WD आ रहा है 7 तारीख को, 6 तारीख की शाम से क्लाउडनेस हो जाएगी, 7 तारीख के दोपहर के बाद थोड़ा चंद एक मुकामत पर स्कैटर्ड प्लेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन।